हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज़ गोइंग ऑन टेबल टैग. टेबल टैग हैव सो मैनी एट्रीब्यूट, बॉर्डर, बिजी कलर, अलाइन, हाइट एंड विड्थ एंड टू मोर एट्रीब्यूट, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग. टुडे वी डिस्कस अबाउट अलाइन, हाइट एंड विड्थ एंड बिजी कलर ऑल्सो. एंड फर्स्टली वी चेंज द अलाइन ऑफ द टेबल. तो ऑलरेडी आई हैव गिवन राइट अलाइन एंड नाउ वी चेंज अलाइन सेंटर. अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, देखिए स्टूडेंट जो टेबल है हमारी वो सेंटर में आ गई है. अब यहाँ से हम इसकी हाइट एंड विड्थ भी चेंज करेंगे. तो हाइट विड्थ ऑलरेडी आई हैव गिवन 100, हम इसको चेंज करेंगे 150 एंड विड्थ आल्सो. यहाँ पे भी हमने कर दिया इसको 150. कंट्रोल एस, अल्ट टैब आप सभी को पता ही है, शॉर्टकट की है सोर्स से टारगेट और टारगेट से सोर्स में मूव होने के लिए. अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट इसकी हाइट और विड्थ क्या है, 100 से 150 चेंज हो गई है. तो इस तरह से आप टेबल के एट्रीब्यूट ये यूज़ कर सकते हैं. एक बार हम इसका कलर भी चेंज करते हैं. यहाँ पे कलर ऑलरेडी ग्रीन है तो हमने इसको रेड कर दिया. कंट्रोल एस, अल्ट टैब और रिफ्रेश. तो देखिए स्टूडेंट ये कलर चेंज हो गया है. तो आप भी इस तरह से प्रैक्टिकल ये एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं आपने टेबल के, बॉर्डर, बिजी कलर, अलाइन, हाइट एंड विड्थ. तो अलाइन आप राइट, लेफ्ट एंड सेंटर दे सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज टेबल इज गोइंग ऑन. अर्लियर आल्सो आई हैव टेल यू दैट बॉर्डर एट्रीब्यूट एंड अलाइन एट्रीब्यूट, हाइट एंड विड्थ. टुडे वी डिस्कस अबाउट बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग. बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट यूज टू सेट द बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल एंड विदाउट बॉर्डर नो यूज ऑफ बॉर्डर कलर. यदि बॉर्डर ही नहीं होगा तो हम बॉर्डर कलर का कोई यूज़ नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं. जैसे हमने कर दिया यहाँ पे ब्लू. कंट्रोल एस, अल्ट टैब, एफ. यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट ये जो कलर है वो ब्लू हो गया. सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग. सेल स्पेसिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, की जो टू सेल होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो सेल स्पेसिंग से डिफाइन होता है. और सेल पैडिंग कंटेंट्स और बाउंड्री के बीच का जो स्पेस है वो सेल पैडिंग से डिफाइन होगा. हमने एक बार इसको रिमूव किया, रिफ्रेश किया. तो देखिए स्टूडेंट अब कोई स्पेस नहीं आ रहा है, ना सेल स्पेसिंग है ना ही सेल पैडिंग है, ओनली बॉर्डर शो हो रहा है यहाँ पे. अगेन वी हैव टू गो इन नोट पैड फाइल. यहाँ पे हम सेल स्पेसिंग पहले हम डिफाइन करते हैं 20. अब देखिए कौन सा स्पेस इंक्रीज हुआ. टू सेल के बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सेल पैडिंग को चेंज करेंगे. ये भी हमने 10 दिया. कंट्रोल एस, अल्ट टैब और रिफ्रेश. तो देखिए स्टूडेंट कंटेंट्स एंड बाउंड्री, ये बाउंड्री है, कंटेंट एंड बाउंड्री के बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो गया. इसको हम थोड़ा और इंक्रीज करते हैं. तो यहाँ पे भी हम देते हैं 20. रिफ्रेश किया तो देखिए स्टूडेंट कंटेंट्स एंड बाउंड्री का स्पेस और भी इंक्रीज हो गया. ये हमारा डाटा है, कंटेंट्स है और ये बाउंड्री है. इसके बीच में जो स्पेस होता है वो होता है सेल पैडिंग. और टू सेल के बीच में जो स्पेस है वो होता है सेल स्पेसिंग.
तो दोनों हमने डिफाइन कर दिए, कम ज़्यादा करते हैं इसको, हमने यहाँ पे 10 किया, रिफ्रेश किया, तो अब ये देखिए सेल स्पेसिंग हमारा कम हो गया, हमने 10-20 से इसको 10 कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पे भी चेंज करते हैं, इसको भी हम वापस से 10 करते हैं, रिफ्रेश किया, तो ये भी देखिए स्टूडेंट कम हो गया। तो ये होता है सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। बॉर्डर कलर आपको बता ही दिया, यहाँ पे हम बॉर्डर कलर फिर से चेंज करते हैं, एक बार रेड किया, रिफ्रेश, तो ये बॉर्डर कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरह से आप टेबल को बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, अलाइन, ये सारे एट्रीब्यूट आप इसके साथ यूज़ करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स।